सलाम एक नंबर है वहां पे छीने गए, वहां पे ऊंट बांध दिया गया और ऊंट इतना सख्त हो चुका था, सरकश हो चुका था कि वो अपने मालिक को की भी परवाह नहीं करता, जो उसके करीब आवा उसका सर दब देगा या उसको काट देगा या लात मार देगा तो ठीक हो जाता। सरकार ने बात सुना तो इसने उस बात में खुशी दी और उस ऊंट को तरह फरमाया, बुलाया सरकार को किसी को बुलाना होगा तो इससे बता देते कि दादा
के सिरने का पालन फरमाते हैं, इधर सवारी का कुछ इधर फेर देते। उसके बाद फरमा दे कि मैं नमाज पढ़वाओ, जब तक मेरी नमाज ना हो तो चलता भी रहना और सिरने से पलटता भी। तो नमाज भी जाने देती, थोड़ा चलता भी रहता, लेकिन सिरने से नहीं पलटता। किबला जिस सब का है वो उसी सिरने चलने लगता। सरकार की सोहबत का असर घोड़े पर भी ऐसा है, वो भी किबला में जाने लगा। आप बहुत कह रहे हैं हम ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, दीगर मकाम में सफर करते हैं, किबला से हंसी किबले की सिर्फ हम को नहीं मालूम, कितने अफसोस की बात। लेकिन बरकत ये भी हमें पाक की सोहबत की है, हैवान को भी ये बरकत मिलती है, अकलमंदों से ज्यादा अकलमंदी के काम करते हैं। रास्ता भी तय कर रहा है, चिंता भी नहीं बदल रहा है। आप को कैसा रास्ता चलता होगा, क्योंकि रास्ता तो बदलता रहता है, मगर ये रास्ता भी चल रहा है, चिंता भी नहीं बदल रहा है। और फिर हुजूर का सवाल भी है, इस तरह इबादत और परवाह बनाई हैवानों में पाई जाती थी, और ऐसी मोहब्बत के जज्बे हैवानों ने उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के पेश किए हैं। के दीवाने हैं आका के मस्ताने हैं, जश्न मिलाद मनाएंगे, झंडे हरे लहराएंगे। आका के दीवाने हैं आका के मस्ताने हैं, जश्न मिलाद मनाएंगे, झंडे हरे लहराएंगे।